हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है, वायरस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और मॉर्फोलॉजी के बेस पर उसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन: Viruses were classified into the following four groups on the basis of their host range and clinical, epidemiological and pathological symptoms. वायरस को उसकी होस्ट रेंज, महामारी विज्ञान और संबंधित रोगों के लक्षणों के आधार पर चार समूहों में क्लासिफाइड किया गया है। कौन से हैं चार ग्रुप्स? फर्स्ट प्लांट वायरसेस, सेकंड इनवर्टिब्रेट वायरसेस, थर्ड वर्टिब्रेट वायरसेस एंड फोर्थ ड्यूल होस्ट वायरसेस। फर्स्ट इज प्लांट वायरसेस। दीज वायरसेस इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स एंड दे हैव बीन सब डिवाइडेड इंटू बैक्टीरियल वायरसेस, एल्गल वायरसेस एंड फंगल वायरसेस इटीसी। प्लांट वायरसेस के अंदर भी वायरस आते हैं जो केवल प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरियल वायरस में, एल्गल वायरस में और फंगल वायरस में। एंड देन इन्वर्टिब्रेट वायरसेस। वायरसेस इन्फेक्टिंग इन्वर्टिब्रेट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इन्वर्टिब्रेट आपने सुना होगा, अकशेरुकीय। ऐसे वायरस जो इन्वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? इन्वर्टिब्रेट वायरसेस कहलाएंगे। एंड देन वर्टिब्रेट वायरसेस। दिस ग्रुप इंक्लूड्स वायरसेस इन्फेक्टिंग वर्टिब्रेट एनिमल्स। ऐसे वायरसेस जो वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकीय एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगी। एंड देन ड्यूल होस्ट वायरसेस। दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट टू डिफरेंट होस्ट मेंटियोन्ड अबव। ड्यूल होस्ट नाम से शो हो रहा है, ड्यूल माने दोहरा यानी कि दो होस्ट। इस ग्रुप्स में वो वायरस इंक्लूड्स होते हैं जो दो अलग अलग होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा है प्लांट को, एनिमल्स में, एनिमल्स में फिर दो कैटेगरी पढ़ाई है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। सो ये प्लांट और एनिमल्स दोनों को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। होल्म्स 1948 इंक्लूडेड ऑल वायरसेस इन ए सिंगल ऑर्डर वायरल्स विच वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री सब ऑर्डर्स। होल्म्स ने 1948 में सभी वायरस को एक सिंगल ऑर्डर वायरल्स के अंदर रखा और वायरल्स को तीन सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया। वायरल्स ऑर्डर है और ये फेजिनी, फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी, ये तीनों क्या हैं? इसके सब ऑर्डर्स हैं। फेजिनी इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को, फाइटोफेजिनी इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को और जूफेजिनी इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV had suggested family as the highest taxonomic category for viruses. International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV की क्या है? फुल फॉर्म है, ये एक कमेटी है जिन्होंने वायरस का नामकरण किया। वायरस को फाइलम और किंगडम में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने एक फैमिली को सजेस्ट किया जो एक क्या है, उच्च स्तर की कैटेगरीज है वायरसेस की। मेजर ग्रुप्स ऑफ वायरसेस आर डिस्टिंग्विश फर्स्ट बाय देयर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट एज आदर RNA और DNA वायरसेस। मेजर ग्रुप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस के बड़े ग्रुप्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेस पर? उसके न्यूक्लिक एसिड्स के बेस पर। और न्यूक्लिक एसिड्स कंटेंट्स में क्या होते हैं? RNA और DNA होता है। सो RNA वायरसेस, द RNA वायरसेस कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड SS RNA और डबल स्टैंडर्ड DS RNA। सिंगल स्टैंडर्ड्स को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल s RNA में, स्मॉल s में डबल s होता है। फर्स्ट s का मीन्स होता है सिंगल और सेकंड s का मीन्स होता है स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड RNA सेम एज डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड RNA D4 डबल S4 स्टैंडर्ड। वायरस को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड में और
डबल स्ट्रैंडेड में. मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस आर हाउ एवर सिंगल स्ट्रैंडेड. ज़्यादातर जो आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. टू टाइप्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड. दो प्रकार के सिंगल स्ट्रैंडेड को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पॉजिटिव सेंस आरएनए एंड सेकंड नेगेटिव सेंस आरएनए. डीएनए वायरसेस लाइक आरएनए वायरसेस, द डीएनए वायरसेस आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए ऑर्गेनाइजेशन. आरएनए के जैसे ही डीएनए को उसके डीएनए ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एक फैमिली में रखा गया है. द डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिनोट करेंगे डीएस डीएनए से, डी फॉर डबल, एस फॉर स्टैंडर्ड डीएनए. वायरसेस आर फर्दर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ देयर डीएनए, लीनियर और सर्कुलर. डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस को आगे भी सेपरेट करेंगे हम किसके बेस पर, उसके शेप के बेस पर, लीनियर है या सर्कुलर है. एंड देन क्लासिफिकेशन of major groups of RNA viruses that cause humans, animals and plant disease. RNA का major groups को classification दिया गया है, वो humans में, animals में और plants में infect करते हैं, disease पैदा करते हैं. तो आइए जानते हैं उनके बारे में. family है, size, examples, infection, oblique disease. size जो है वो nanometer में होगा. फर्स्ट फैमिली की यदि हम बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंस आरएनए रिट्रोवायरिडी, साइज 100 नैनोमीटर, एग्जांपल एचआईवी एड्स. एड्स के बारे में सभी जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है. एंड देन पिकोरनावायरिडी, साइज रेंज 8 to 30 नैनोमीटर, एग्जांपल एंट्रोवायरस, और डिजीज़ कौन सी होती है, पोलियो होती है. एंड देन नेगेटिव सेंस आरएनए ऑर्थोमिक्सोवायरिडी, 100 to 200 नैनोमीटर साइज. इन्फ्लुएंजा वायरस, एग्जांपल क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और इससे डिजीज होती है इन्फ्लुएंजा ए एंड बी. डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की बात करें तो रियोवायरिडी, साइज रेंज 70 नैनोमीटर, रोटा वायरस, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन से संबंधित डिजीज होती है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाता है. प्लांट वायरस फैमिलीज ऊपर हमने पढ़ी है, ह्यूमंस या एनिमल्स, और इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट वायरस फैमिलीज. पॉजिटिव सेंस आरएनए टोबामो वायरिडी, साइज रेंज 15 into 300 नैनोमीटर. टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक तंबाकू में होने वाली डिजीज है. एंड देन नेगेटिव सेंस आरएनए टोस्पो वायरिडी, 90 नैनोमीटर साइज रेंज है. टोस्पो वायरस टोमेटो स्पॉटेड विल्ट. एंड देन डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस फाइटो रियो वायरिडी, साइज रेंज 80 नैनोमीटर होती है. फाइटो रियो वायरस वाउंड ट्यूमर, यानी कि इसमें ट्यूमर बन जाते हैं. एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ डीएनए वायरसेस दैट काउजेज ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट डिजीज. जैसे हमने ऊपर आरएनए क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ऐसे ही हम डीएनए का पढ़ेंगे. फैमिलीज ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये ह्यूमंस और एनिमल्स में होने वाली डिजीज हैं, और ह्यूमंस और एनिमल्स में पाई जाने वाली फैमिलीज हैं. पॉक्स वायरिडी, साइज रेंज 250 into 350 नैनोमीटर. ऑर्थोपॉक्स वायरस, एग्जांपल है इसका, डिजीज होती है स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, जो आपने जनरली सुनी होंगी. इसमें जो डीएनए पा जाता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर शेप में होता है. पेपोवायरिडी, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ऊपर लीनियर है और ये सर्कुलर डीएनए है. 45 to 55 नैनोमीटर साइज रेंज होती है. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वर्ट्स एंड पेनाइल कैंसर इससे हो जाता है. एंड देन
प्लांट वायरस फैमिलीज, डीएनए की प्लांट फैमिलीज जो होती हैं प्लांट को इन्फेक्शन करने वाली, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म में होगा, कोलिमो वायरिडी साइज रेंज 50 नैनोमीटर, क्यूलिमो वायरस क्यूली फ्लावर मोजेक जो कि क्यूली फ्लावर्स में होने वाली एक डिजीज़ है जिसे हम क्यूली फ्लावर मोजेक्स बोलते हैं, एंड देन सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जेमिनी वायरिडी साइज रेंज 18x30 नैनोमीटर जेमिनी वायरस मेज स्ट्रेक मेज में होने वाली डिजीज़ है। एंड देन डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, यह एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, क्रिप्टोग्राम्स इसमें से आता है, क्रिप्टोग्राम्स दो नंबर में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राम्स अदरवाइज शॉर्ट नोट्स ऑन क्रिप्टोग्राम्स, तो जानते हैं क्रिप्टोग्राम्स के बारे में। एज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज़ नॉट सुइटेबल फॉर वायरसेस, बाइनोमियल सिस्टम जो था द्विनाम पद्धति जो थी वो वायरस को नाम देने के लिए सुटेबल नहीं है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर वायरस नोमेनक्लेचर पुट फॉरवर्ड इन न्यू सिस्टम फॉर नेमिंग वायरस, इंटरनेशनल कमेटी जो वायरस नोमेनक्लेचर्स के लिए काम कर रही थी उन्होंने क्या दिया, एक न्यू सिस्टम्स दिया वायरस के नामकरण का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट्स रिप्रेजेंट्स द कॉमन नेम ऑफ द वायरस एंड द सेकेंड पार्ट्स कंटेन्स द कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस। इस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वायरस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट्स जो होता है वो उसके कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड पार्ट्स जो होता है वो उसमें क्या रहेगा, उसमें इंफॉर्मेशन कोडेड रहेंगी, जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें कोड के रूप में रहेंगी वायरस के बारे में। इस सेकेंड पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं, दिस सेकेंड पार्ट्स नोन क्रिप्टोग्राम्स, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ए क्रिप्टोग्राम्स हैज़ द फॉलोइंग फोर पेयर्स ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पेयर रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑब्लिक नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स, जो फर्स्ट पार्ट्स होगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स को, और उसमें कौन सा स्ट्रैंड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स डबल स्ट्रैंडेड है सिंगल स्ट्रैंडेड है ये इन्फॉर्मेशन देगा। सेकेंड पेयर्स रिप्रेजेंट्स मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स ऑब्लिक परसेंटेज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द वायरस, सेकेंड पार्ट्स जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिकुलर वेट्स को, न्यूक्लिक एसिड्स का कितना मॉलिकुलर वेट्स है और परसेंटेज क्या है उसकी न्यूक्लिक एसिड्स की वायरस के अंदर कितने परसेंट्स हैं। थर्ड पेयर्स डिनोट्स द साइज ऑफ वायरस ऑब्लिक साइंस ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, थर्ड पेयर्स जो होगा वो डिनोट करेगा वायरस की साइज को, क्या साइज है और न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या साइज है। फोर्थ पेयर डिनोट्स द टाइप्स ऑफ होस्ट कैरियर यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, फोर्थ पार्ट जो होगा वो होस्ट टाइप्स को डिनोट्स करेगा और उसमें ट्रांसमिशन किस टाइप से हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस का टीएमवी का, क्रिप्टोग्राम्स ऑफ टीएमवी आर ऑब्लिक फर्स्ट 2/5 ई एंड एस ऑब्लिक ए। यदि हम यहाँ पर देखें जो फर्स्ट है आर, आर का मीन्स क्या होता है आरएनए, फर्स्ट है, फर्स्ट मीन्स क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या देगा सिंगल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कौन सा है सिंगल है, एंड देन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट्स क्या डिनोट कर रहा है मॉलिकुलर वेट, कितना मॉलिकुलर वेट है 2 मॉलिकुलर वेट हो जाएगा और परसेंटेज कितनी हो जाएगी, ये 100 में होगी या फिर थाउजेंड्स में होगी, कितने परसेंटेज है 5% है। एंड फोर्थ पार्ट जो है वो क्या डिनोट कर रहा है ई फॉर इलोंगेटेड, यानी कि जो साइज़ है वो कैसा है इलोंगेटेड है और न्यूक्लियो प्रोटीन्स में इलोंगेटेड साइज में है, एंड देन ये क्या है किस टाइप्स का है, ये क्या है सीड है, एस फॉर सीड है और ए फॉर एयर्स के द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।